मौसम इस वक्त काफ़ी अच्छा है, हवा चल रही है। हवा जब भी चलती है ना तो बारिशें इतनी हुई हैं कि ठंडी लगती है। मुझे चाहिए थे थोड़े से लेमन, और लेमन वैसे भी ना येलो हो रहे हैं। पिछली दफ़ा जो लॉट इनकी लगी है ना गर्मियों में, वो तो सारी ख़राब हो गया, वो उनके अंदर रस ही नहीं बना क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी। लेकिन अब ये जो है ना, इनके अंदर रस है, अच्छे वाले लेमन हैं ये। तो ये लेमन उतारते हैं। बाकी जो लोग चैनल पर न्यू हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। तब तक हम लोग अपने जो लेमन हैं उनको उतार लेते हैं। ये देखें काफ़ी बड़े बड़े भी लगे हुए हैं, येलो हुए हैं, ये देखें सारे। काफ़ी टाइम हो गया है हम इस साइड पे नहीं आए और नहीं उतारे हमने। मैं कोई चीज़ नहीं लेकर आई हाथ में, आई डोंट नो कितने आएंगे मेरे। ये छोटू वाला गिर जाता। खैर इजीली हाथ में इतने ही कैरी किए जा सकते हैं। बाकी अभी भी न्यू फूल भी देखें लग रहे हैं, ये इन पे कीड़े शीड़े बैठ जाते हैं। ये काफ़ी न्यू जो हैं फूल वो भी लग रहे हैं, ये भी येलो हुए हैं। तकरीबन ये जितने लगे हुए हैं ना, चंद एक को छोड़ कर, जैसे ये छोटा है और ये ग्रीन है, इसके अलावा ये जितने भी हैं ये उतारने वाले हैं। अब ये बहुत छोटा सा है लेकिन येलो हुआ है। बाकी ये तो पूरा ख़त्म हो गया हुआ है, और इसको ये देखें दीमक लगी हुई है। इस एरिया में इतनी दीमक है कि पौधों को लगी हुई है, और ये इस वजह से इनकी जड़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं और ये जल जाते हैं। मोस्टली पौधे ऐसे हैं जो गर्मी की वजह से नहीं जलते हैं हमारे यहाँ, तो ज़्यादातर ये दीमक की वजह से ख़राब हो जाते हैं, जो इनकी जड़ों में लग जाती है और फिर इनको वीक कर देती है और ये ख़त्म हो जाते हैं। ऊपर से आपको नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ इस पौधे को, हरा भरा होगा दो दिन के अंदर अंदर, और ये फिर आपको अचानक से बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस बेचारे की सिर्फ टहनियाँ लगी। ये एस्थेटिकली मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, इसकी जो लुक है ना, तो इसलिए अभी तक ये लगा हुआ। ऊपर चांद भी नज़र आ रहा है, वाह। इस पर अगर लाइट्स लगी हुई है ना तो ये और हसीन हो शाम के टाइम, स्पेशली रात को। खैर हमारा काम हो गया, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, ये चलते हैं इनको यूज़ करते हैं, बाकी फ्रिज में रखते हैं, और बाकी फिर अपने दिन के काम देखते हैं, जो जो काम है वो करते हैं। और अब जो दूसरा लेकेंगे ना उसमें हरी मिर्च वाली चटनी नहीं डालनी, और दो सेवन अपने भी नहीं है, पापड़ी भी नहीं है।
नमक आपका दे। ये बबलू वालों से समोसे आए थे तो साथ ही ये देते हैं शॉपर में चने का सालन और ये रहता। बड़े शहरों में अब प्लास्टिक बैग्स कम होते जा रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ अभी भी इनका ही कंसेप्ट है, दूसरे बैग्स नहीं मिलते। खैर इसको डालते हैं और गर्म करते हैं फिर। खैर ये हमारे पास गर्म होके आ गए हैं, अब हम इनके ऊपर थोड़ा सा सैलेड कट कर लेते हैं बारीक बारीक। मुझे सैलेड बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली प्याज और टमाटर। ये हो तो सोने भी सुहागा हो जाता है। इनफ है, हाफ इनफ है। और अब हम इसके ऊपर डालते हैं ये दही वाला रायता, जो एक्चुअली होता है लस्सी वाला रायता। इस वक्त हो रही है शाम और मैं करने लगी हूँ वॉक। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और यूं ही अपना प्यार शो करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।